नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले। हालांकि इस बार नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देश पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को न बुलाए जाने पर पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया भी दी है। पाकिस्तान ने अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घरेलू राजनीति उन्हें पाकिस्तानी कच्छ को बुलाने की इजाजत नहीं देती। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा, उनका पूरा चुनावी कैंपेन ही पाकिस्तान विरोध पर आधारित था। ऐसी उम्मीद करना बेवकूफी ही होगी कि वह जल्द अपने पाक विरोधी राग से छुटकारा पा सकते हैं। इस बार शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक देशों बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान को आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी के 2014 के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव को बुलाया गया था। पिछली बार शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को आमंत्रित किया गया था ताकि पड़ोसी देश के साथ रिश्ते सुधारे जा सके। हालांकि फरवरी महीने में हुए पुलवामा आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव चरम पर पहुंच गया। पाकिस्तानी न्यूज चैनल से बातचीत में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को आम चुनाव में जीतने के बाद बधाई दी थी और एक खत भी लिखा था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते लेन देन पर आधारित हैं और पीएम इमरान खान ने मोदी को सद्भावना के तौर पर मोदी को जीत की बधाई भी दी थी। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से अच्छा है कि कश्मीर, सियाचिन और सरक्रिक जैसे विवादों के समाधान पर वार्ता के लिए एक बैठक की जाए। कुरैशी ने यह भी कहा कि यह पाकिस्तान के हित में भी है कि दोनों देशों के बीच तनाव खत्म हो जाए। पाकिस्तान ने तनाव पैदा नहीं किया। अब पूरी दुनिया ये मान रही है कि पाकिस्तान की पुलवामा हमले में कोई भूमिका नहीं थी। आपको बता दें, बालाकोट में भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने 26 फरवरी से भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी मोहम्मद फैसल ने बताया था कि भारत सरकार ने पाकिस्तान की वायु सीमा से सुषमा के विमान को उड़ने की इजाजत देने का अनुरोध किया था और हमने अनुमति दे दी थी। इसी तरह की न्यूज अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।